आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है जिसके लिए मैंने यहाँ पर दो बड़ी साइज के बैंगन ले लिए हैं जिसके ऊपर हम इस तरह से चप्पू से छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे ये बैंगन अच्छे से पक जाए तो यहाँ पर हमने दोनों बैंगन में अच्छे से कट लगा दिया है तो अब हम इसे सेकेंगे तो इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम में एक इस तरह का स्टैंड रख दिया है जिसके ऊपर हम इस तरह से एक बैंगन को रखेंगे और फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे सेकेंगे तो इस तरह से उलटते पलटते लगभग सात से आठ मिनट के बाद हमने एक बैंगन को तो सेक लिया है तो अब हम इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से हम दूसरे बैंगन को भी सेक लेते हैं इस तरह से हम दूसरे बैंगन को भी सेंकने के लिए रख देते हैं और जिस बैंगन को हमने सीख लिया है उसके छिलके हटा लेते हैं इस तरह से चप्पू की सहायता से हम इसके छिलके को निकाल लेते हैं और जब ये बैगन गर्म गर्म हो तभी आपको इसके छिलकों को हटा देना है तो यहाँ पर हमने एक बैंगन के छिलकों को तो हटा दिया है और दूसरी तरफ हमारा दूसरा बैगन भी एक साइड से पक गया है तो उसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं इसे आपको सावधानी पूर्वक सेक लेना है तो यहाँ पर हमने दूसरे बैगन को भी सेक लिया है तो इसके छिलके को भी हटा देते हैं तो यहाँ पर हमने दोनों बैंगन के छिलकों को हटा दिया है तो हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है अब यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे वन फोर्टी स्पून सरसों के दाने डालेंगे और दो से तीन चम्मच कटी हुई हरी लहसुन को डालेंगे हाफ़ कप कटी हुई हरी प्याज को डालेंगे और फिर इसे हल्का सा सोते करेंगे अब इसमें वन फोर टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे वन थर्ड टी स्पून जीरा और धनिया का पाउडर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब दो कप कटे हुए टमाटर को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पाँच से सात मिनट तक पकाएंगे अब इसमें एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कटे हुए बैंगन को डालेंगे जिसे हमने पहले से ही सीख के पका लिया था इसे मिक्स करेंगे और वन फोर कप जितना पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पाँच मिनट तक पकाना है अब हम इसमें कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ती को डालेंगे तो यहाँ पर हमारी रेसिपी अच्छे से रेडी हो गई है आप देख सकते हैं अब हम इसे सर्व करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें हम इसे डालेंगे तो यहाँ पर हमारी यूनिक रेसिपी तैयार है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार लगती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो आप इस यूनिक और मज़ेदार रेसिपी को जरूर से ट्राई करना और फिर कमेंट में बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बाजू में एक छोटी सी घंटी आएगी उसे भी प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए अब मिलते हैं इसी एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर